नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक बहुत ज़्यादा कॉमन लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर आपसे बात करना चाहूँगा। बहुत लोगों को पता होगा, इस चीज़ से अवेयर होंगे, लेकिन लेकिन जिनको नहीं पता है शायद उनके ये वीडियो काम आ जाए। तो कई बार जब लोग अपनी कार में पानी या फिर कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो किसी किसी की आदत होती है उन बॉटल्स को ऐसे ही केबिन में छोड़ देना, या फिर जिन कार में ऐसे पॉकेट्स नहीं बने होते हैं, बॉटल होल्डर नहीं होते हैं, तो ऐसे ही केबिन में छोड़ देते हैं ताकि बाद में कभी उसमें बाहर फेंक दिया जाए या कुछ ऐसा कर दिया जाए। लेकिन कई बार क्या होता है, बोतलें गलती से छूट जाती हैं या फिर किसी चीज़ के लिए बोतल रखने की आदत होती है किसी। कार में प्लास्टिक बॉटल्स को छोड़ देना बिल्कुल भी सही नहीं, क्योंकि क्या होता है, देखिए जब कार चलती है और जब भी ब्रेक लगते हैं तो वो बॉटल क्या होती है, गोल होती है, तो आगे की तरफ आती रहती है। नॉर्मली कारों में ड्राइवर सीट के नीचे कोई ऐसा हर्डल नहीं होता जो उस बॉटल को रोके। कई कारों में ये चीज़ होती है, एक छोटी सी पत्ती होती है वो उसको रोक लेती है, लेकिन वो हर कार में नहीं होती है। और इतना ज़्यादा स्पेस उसके नीचे होता है कि ये 500 ml की बॉटल है जो आसानी से आगे आ जाए, 500 ml के 1 लीटर की बॉटल भी आगे आ जाती है। तो अगर वो कभी आगे आ गई और ये जितने भी कंट्रोल्स होते हैं, जैसे कि एक्सेलेरेटर हो गया, क्लच हो गया, ब्रेक हो गया, अगर ब्रेक या क्लच के नीचे आ गई तो वो फिर एक बहुत ज़्यादा एक ख़तरनाक सी चीज़ हो सकती है। क्या होता है, नॉर्मली जब भी अगर वो बॉटल्स आगे आ गई और ब्रेक पेडल के नीचे आ गई, तो ऐसे में अगर आप ब्रेक पेडल को प्रेस करेंगे तो बॉटल के अंदर जो वैक्यूम होता है और वो ढक्कन भी लगा होता है, तो इस वजह से वो बॉटल भी खुद में बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती। तो ऐसे जो ब्रेक पैडल होगा वो पूरा प्रेस नहीं हो पाएगा और ऐसे में जो कार की ब्रेकिंग होगी वो नहीं होगी। तो फिर आप सोच सकते हैं कि अगर ब्रेक ही नहीं लगेंगे ज़रूरत के वक्त तो क्या हो सकता है। तो इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बॉटल्स को कार में छोड़ना इतना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। तो अगर आपकी भी ये आदत है कि आप भी कार में ऐसे बॉटल्स को छोड़ देते हैं, तो कोशिश कीजिए कि आप ही अपनी आदत को जितनी जल्दी हो उतना जल्दी इसको बदल लें। अगर मान लीजिए आपको कभी कोई काम पड़ जाता है, आपको बॉटल कैरी करनी है, तो हो सके तो या तो कोशिश कीजिए कि आप उसको पीछे बूट में रखें, अगर वहाँ नहीं रख रहे तो ऐसे उसको सीट के नीचे बिल्कुल ना डालें। अगर डालना ही है, मान लीजिए 1% आपको मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ही उसकी, तो उसको आप हो सके तो पैसेंजर सीट के नीचे डाल दीजिए, ताकि अगर वो आगे आए भी तो ड्राइवर साइड ना आए, बीच में जो कंसोल होता है उसको रोक ले लें। ड्राइवर सीट के नीचे कभी बॉटल मत डालिए। मैं ये चीज़ आपको एक एग्जांपल के साथ बता रहा हूँ। जैसे देखिए किसी किसी कार में बॉटल होल्डर्स नहीं होते हैं, ना पीछे के दरवाजे में होते हैं ना आगे होते हैं, तो ऐसे में लोग क्या करते हैं, अगर इन सब चीज़ों को कंज्यूम करते हैं, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक हो गई, पानी हो गया, तो बॉटल को वैसे ही छोड़ दी बाद में, ये सोच के कि बाद में बाहर फेंक देंगे। लेकिन वो बार बार वो बोतल अगर ड्राइवर की सीट के नीचे चले गई तो फिर वहाँ बाद में जाने वाला तो सवाल ही पैदा नहीं होता, या फिर हो सकता है कि भूल जाते हैं लोग। तो क्या होता है, वो बोतल, अब देखिए कार चल रही है, ब्रेक अप्लाई हुए, बोतल तो राउंड शेप में होती है, तो ऐसे में तो आगे की तरफ जाएगी और आगे जाते 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 इतने आगे पहुंच जाएगी कि सीधे ड्राइवर जहां पर कंट्रोल्स होंगे, ड्राइविंग कंट्रोल्स होंगे, वहां पर वो बॉटल्स पहुंच जाएगी। तो फिर आप सोच सकते हैं कि और ब्रेक लगेंगे तो राउंड शेप में बॉटल होगी तो वो और आगे जाएगी, होते होते हो सकता है कि वो ब्रेक पैडल के नीचे आ जाए। और मान लीजिए आपको कहीं पर सडनली ब्रेकिंग करनी है तो वो आपके ब्रेक आपने दबाया, पता चला आपकी जो ब्रेक है ब्रेक के नीचे बॉटल आ गई, और बॉटल में होती है हवा, आप उसको प्रेस भी करेंगे तो बिना ढक्कन खोले वो प्रेस भी नहीं होने वाली। तो आप कितनी भी ताकत से ब्रेक पैडल को अप्लाई कर लेंगे तो ब्रेक आपके काम करेंगे नहीं। तो सोच सकते हैं आप कितनी खतरनाक बॉटल यहाँ पर हो सकती है। और यही सब कुछ चीज़ें थी कि बोतल आप बिल्कुल ना रखें, कि छोटी सी बोतल कितनी ज़्यादा खतरनाक हो सकती है ये आप समझ सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं इस बात का। तो बॉटल अगर आपकी कार में बॉटल होल्डर है तो आप वहाँ उसको करिए, नहीं है तो सीट के पीछे ऐसे पॉकेट्स बने होते हैं वहाँ रख लीजिए, ड्राइवर सीट के नीचे। कभी भी किसी भी तरीके की, चाहे वो कितनी छोटी बोतल हो चाहे वो कितनी बड़ी बोतल हो, बिल्कुल ही मत रखिए। तो वीडियो थोड़ा बहुत भी अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।